तीन तलाक के खिलाफ पास हुए कानून को एक साल बीत गया है और इसकी वजह से तीन तलाक के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। इस कानून की मदद से मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली है और इस तरह कुरीति को खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक और समानता के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। तीन तलाक यानी तलाक ए बिद्दत, देश में इस कुप्रथा को खत्म हुए एक साल हो गया है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में 31 जुलाई को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी मिली और ये दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। इस ऐतिहासिक फैसले के एक साल पूरा होने के मौके पर अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। तीन तलाक जो है वो एक साल पहले अपराध बना और अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मोहर लगी और मोहर मजबूती मिली। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमने उस पाँव के कांटे को निकाला है और महिलाओं के और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए ये कानून जो है वो पास किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए बनाया गया कानून नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान के लिए बनाया गया है और इसकी वजह से देश भर में तीन तलाक के मामलों में भारी कमी आई है। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान ये हमारी सरकार का हुकूक है, उसका एक आईन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल संवाद में शामिल हुई हजारों मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक पर पाबंदी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।